सत्ता में अब बात करते हैं नीरज चोपड़ा की, जिन्होंने धर्म के नाम पर नफरत की दुकान चलाने वाले की सोच पर अपना गोल्डन भाला फेंका है। आज नीरज चोपड़ा के गोल्डन प्रयास को नई नजर से देखने की जरूरत है। नीरज ने 2023 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए नया कीर्तिमान बनाया है। उन्होंने अपना भाला 88.17 मीटर की दूरी तक फेंका और गोल्ड मेडल जीता। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय हैं। नीरज की इस कामयाबी पर पूरे देश के मन में जश्न वाली फीलिंग है। यहाँ ये भी सोचिए कि नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत के रहने वाले हैं और उन्होंने गोल्डन कीर्तिमान बनाया है। दूसरी तरफ पानीपत से सिर्फ 165 किलोमीटर दूर हरियाणा का एक और इलाका है जिसका नाम है नूह। आपको याद होगा वहां कुछ समय पहले पत्थरबाजी और आगजनी के कीर्तिमान किस तरीके से बनाए गए। एक तरफ नूह के दंगाई हैं जिनमें बहुत से युवा भी होंगे जिन्होंने पत्थरबाजी और हिंसा के रिकॉर्ड बनाए, वहीं दूसरी तरफ उसी राज्य के एक युवा नीरज चोपड़ा हैं जिन्होंने अपनी लगन, मेहनत और काबिलियत से लोगों को प्रेरणा देने वाला कीर्तिमान बनाया। भारत को ऐसे युवाओं की और उनके गोल्डन कीर्तिमानों की बेहद आवश्यकता है। आज भी हरियाणा का नूह शोभा यात्रा वाले तनाव को लेकर चर्चा में रहा, जबकि हरियाणा के पानीपत में नीरज चोपड़ा का गोल्ड मेडल चर्चा का केंद्र रहा। वहां जश्न का माहौल है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा की जीत ने देश को सुख दिया है, प्रेरणा दी है, जबकि नूह के दंगाइयों ने देश को जख्म दिए हैं और बताया है कि क्या नहीं होना चाहिए और कैसे कुछ लोग पूरे क्षेत्र के माहौल में तनाव घोल देते हैं। इस फर्क को और देश की असली जरूरत को आपको समझना होगा। आपको देखना होगा कि सही मायने में युवाओं का प्रतिनिधि कौन है और हमारे सामाजिक प्रतिमान कैसे होने चाहिए। नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर न सिर्फ इतिहास रचा बल्कि अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने गांव, अपने शहर, अपने राज्य, अपने देश का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया। इस समय नीरज पर बधाइयों की वर्षा हो रही है। पीएम मोदी ने नीरज को बधाई देते हुए ट्विटर पर लिखा, प्रतिभाशाली नीरज चोपड़ा उत्कृष्टता का उदाहरण है। उनका समर्पण, सटीकता और जुनून उन्हें न केवल एथलेटिक्स में चैंपियन बनाता है बल्कि पूरे खेल जगत में अद्वितीय उत्कृष्टता का प्रतीक बनाता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने के लिए उन्हें बधाई। नीरज चोपड़ा सेना में सूबेदार भी हैं। गोल्ड मेडल जीतने के बाद भारतीय सेना ने नीरज चोपड़ा को बधाई देते हुए ट्विटर पर लिखा, नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर हमें गर्व का एहसास कराया है। नीरज को बधाई देने वालों की लिस्ट लंबी है। सबसे ज्यादा जश्न नीरज चोपड़ा के गांव खंडरा में हो रहा है। पानीपत के इस गांव में लड्डू बांटे जा रहे हैं। नीरज चोपड़ा के माता पिता ने TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सारे देश की दुआ थी भाई, बच्चा गोल्ड मेडल लेके आप सबकी दुआ थी और आपकी दुआ रंग लाई। हाँ ओके, सबके थी जी, सबके ले आई और हमारे मारे के सारे देश की ले आई। सारे मेहनत कर रहे थे, सारे खिलाड़ी थे, बराबर के थे, तो कोई सा भी जीत सके था। मौका ही ऐसा है क्योंकि ये किसी की पर्टिकुलर, किसी एक आदमी की खुशी नहीं है, ये देश की खुशी है और पूरा ही देश सेलिब्रेट कर रहा है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं अभी कहता हूँ, नीरज पर अब सबसे पहला हक देश का है, वो नेशनल प्रॉपर्टी है, पूरा देश का बेटा है वो। नीरज चोपड़ा की एक बड़ी अनोखी आदत है, वो तेजी से दौड़ कर आते हैं, पूरी जान लगाकर परफेक्ट एंगल पर भाला फेंकते हैं और फेंकते ही खुश हो जाते हैं, जश्न मनाना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो अपने प्रयास में 100% मौजूद थे और उनका भाला कितनी दूर तक पहुंचेगा। नीरज के इस आत्मविश्वास के पीछे उनका भाला फेंकने की तकनीक है। हम आपको उस विज्ञान और उस तकनीक के बारे में बताते हैं जिसकी मदद से नीरज चोपड़ा ने अपना भाला गोल्ड मेडल हासिल करने वाली दूरी तक फेंका। भाला फेंकने में आपकी गति, हवा की गति, दिशा, एरोडायनामिक्स, भाला फेंकने का एंगल, साथ ही भाला फेंकते समय उसे किस गति पर फेंकना है और कितने एंगल पर फेंकना है, इस सब का ध्यान रखना होता है क्योंकि इनमें से एक भी फैक्टर बिगड़ा तो भाला सोची हुई दूरी तक नहीं जा पाएगा। तेजी से भाला फेंकने के लिए 3 स्टेप होते हैं। पहले 6 से 10 कदम तेजी से दौड़कर 2-3 कदम क्रॉसओवर स्टेप लेना होता है। ये मूवमेंट क्रिकेट के फास्ट बॉलर की तरह होता है। आखिर के 2-3 कदम में ही भाले को इस तरह फेंका जाता है कि उसे 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार मिल जाती है। इसे इंपल्स स्टेप कहते हैं। इसके साथ ही पूरी ताकत को भाले में ट्रांसफर करने की कोशिश होती है। शरीर की पूरी ऊर्जा नीचे से ऊपर कंधे तक जाती है। उसके बाद उसी ऊर्जा की लहर कोहनियों की तरफ से होते हुए भाले तक जाती है। इस समय भाले की नोक आंखों की सीध में होती है। भाला फेंकने के लिए उसका कोण यानी एंगल भी बहुत जरूरी होता है। मेडल जीतने के लिए जरूरी है कि भाला फेंकते समय उसका सिरा 32 से 36 डिग्री के कोण पर हो। इसी एंगल को साधने में जीवन भर की तपस्या लगती है।
लगातार प्रैक्टिस करनी होती है तब ये एंगल मिल पाता है। अब आप सोचिए नीरज चोपड़ा ने कितनी प्रैक्टिस की होगी, कितनी मेहनत की होगी। नीरज चोपड़ा ने सिर्फ गोल्डन निशाने से 140 करोड़ देशवासियों का दिल ही नहीं जीता, बल्कि खिताब को जीतने के बाद नीरज चोपड़ा ने तिरंगे पर ऑटोग्राफ ना देकर भी करोड़ों भारतीय फैंस का दिल जीत लिया। दरअसल प्रतियोगिता के बाद उनकी एक महिला फैन भारतीय झंडे पर ऑटोग्राफ लेने आई थी, मगर नीरज ने उन्हें तिरंगे पर ऑटोग्राफ देने से इनकार कर दिया। नीरज चोपड़ा ने शर्ट पर ऑटोग्राफ दिए और इस पर नजरिया नाई। कहते हैं भारत में कोस कोस पर बोली भाषा बदल जाती है, इस लिहाज से एक ही राज्य के नूह और पानीपत के बीच लंबी दूरी है और इस दूरी को नफरत से नहीं गोल्ड मेडल से पाटा जा सकता है। सोचिए एक देश में एक राज्य में इतनी कम दूरी पर इतना फर्क क्यों। नूह में पत्थर चलाने और नफरत फैलाने वाले युवाओं को नीरज चोपड़ा से सीखना चाहिए। नूह में होटल की छत पर चढ़कर पत्थर से दूसरों को निशाना बनाने वाले युवकों को नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल से प्रेरणा लेनी चाहिए। युवाओं की शक्ति सही दिशा में हो तो हर बुरी तस्वीर बदल सकती है।